महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। चेन्नई की कमान अब रविंद्र जडेजा के हाथों में है। महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार IPL चैंपियन बना चुके हैं। CSK IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी सबसे सफल टीम है। धोनी IPL के शुरुआती सीजन 2008 से ही चेन्नई का कमान संभाल रहे थे। पिछले साल उनकी कप्तानी में चेन्नई ने IPL खिताब भी जीता था। CSK ने एक बयान में कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसी अन्य खिलाड़ी को सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना है। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहे हैं और वह CSK का नेतृत्व करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी होंगे। IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। 40 साल के धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL मेगा नीलामी 2022 से पहले रिटेन कर लिया था। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली और रविंद्र जडेजा को रिटेन किया गया था। हालांकि चेन्नई के मालिक ने धोनी से ज़्यादा पैसे रविंद्र जडेजा को दिए थे। जडेजा को CSK ने 16 करोड़ जबकि धोनी को 12 करोड़ रुपये दिए थे। मैदान पर हमेशा कूल रहने वाले धोनी अपने बड़े फैसले के दौरान शांत नजर आते हैं। धोनी ने इससे पहले साल 2014 में अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2016 के बाद वनडे और T20 टीम की कमान विराट कोहली को सौंप दी थी। वही संन्यास का फैसला भी अचानक 15 अगस्त 2020 को ले लिया। बाएं हाथ के धुरंधर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पहली बार IPL में कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।